आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन सा रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडल का काम चल रहा है उनका, वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा।